بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. जजाक अल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। मैं तमाम अपने मोजेज सामीन को और सुनने वाले तमाम दोस्तों को जो बाद में हमें ज्वाइन करेंगे उनको भी खुश आमदेद कहता हूँ वापसा ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में। जैसे कि आपको मालूम है कि इस कोविड की सिचुएशन के अंदर हम तमाम वापसा की जो लीडरशिप थी उसने डिसाइड किया था कि हम कोई ऐसा प्रोग्राम मुरतब करें कि जिसके अंदर हम अवेयरनेस एजुकेशन के ऊपर काम करें और जिसका मेन पर्पज़ ये था कि हम कोचिंग और नर्चरिंग के टैलेंट के ऊपर काम करें, क्योंकि आने वाले टाइम में ये यंगस्टर्स हैं जिन्होंने बहुत सी जो नई पोजीशंस हैं उनको टेक ओवर करना है और आने वाली इंडस्ट्री को नए जो है वो टेक्नोलॉजी इन्विजन्स के साथ रन करना। इस सिलसिले में हमने एक प्रोग्राम मुरतब किया जिसको हमने वापसा ऑनलाइन लेक्चर सीरीज का नाम दिया, जिसके अंदर मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन और हेल्थ डिजीज़, इन तमाम चीज़ों को हमने कवर किया और इसके अंदर तमाम पाकिस्तान से डिफरेंट लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं ये चीज़ शेयर करते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टिल जो है वो सितंबर अक्टूबर तक का हमारा कैलेंडर जो है वो फुल हो चुका है अपने प्रेजेंटर्स के साथ। इसके अंदर जो सबसे अहम बात ये कि हम लोकल अपने लोगों के टैलेंट से एडवांटेज ले रहे हैं और उनकी एक्सपर्टीज से जो है वो जो आम चीज़ें उनको शेयर कर रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री का एक बहुत अहम और कलीदी रोल है हमारे प्रोटीन रिक्वायरमेंट के अंदर और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान ऑलरेडी उन कंट्रीज़ की लिस्ट में जो कि प्रोटीन डेफिशिएंट हैं, ठीक है, तो हम ऑलरेडी अपनी रिक्वायरमेंट की कम प्रोटीन ले रहे हैं, तो उसके अंदर जो रोल ऑफ एनिमल प्रोटीन है और स्पेशली जब हम पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की या पोल्ट्री मीट की बात करते हैं उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आज हमने इसी तनाजुल के अंदर इस टॉपिक के ऊपर रोशनी डालने के लिए अपने एक्सपर्ट को मौजूद किया है जो कि प्रोफेसर डॉक्टर अतर महमूद साहब हैं, जो कि चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्शन यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस लाहौर के। सर का जो तारुफ है मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत फख्र और एजाज की बात है कि ये हमारे टीचर भी हैं और ये एक हर दिल अजीज टीचर ना सिर्फ मेरे हैं बल्कि उन तमाम सुनने और देखने वाले स्टूडेंट्स के हैं जो आज का सेशन जो ज्वाइन करेंगे। सर को अल्लाह ताला ने जिन सलाहियत से नवाजा उनमें से एक खूबी इनकी बहुत अच्छी है, ही ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव और हमेशा अपफ्रंट रहते हैं उन तमाम चैलेंजेस और उन तमाम सॉल्यूशंस को प्रेजेंट करने में जिसका इम्पैक्ट आपकी इंडस्ट्री पे, आपके प्रोफेशनल्स के ऊपर या ओवरऑल कंट्री पे पड़ता है। सर को जब हमने रिक्वेस्ट की कि सर इस सिनेरियो में जहाँ पर इस वक्त बहुत सी जो है वो डिफरेंट किस्म की राय पाई जाती हैं पोल्ट्री मीट के हवाले से स्पेशली, तो उस सिलसिले में हमने सर से टाइम की रिक्वेस्ट की और उन्होंने बड़े खुश दिली से हमारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं अपना टाइम भी दूंगा और इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करके हम इसको शेयर करेंगे कि जो एनिमल प्रोटीन है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और वो कैसे जो है ह्यूमन बींग्स के ऊपर उसका असर होता है। आज के सेशन के कुछ रूल्स मैं सर को बुलाने से पहले वाजे करना चाहता हूं कि हम सर की प्रेजेंटेशन के बाद तमाम लोग अपने जो क्वेश्चंस हैं वो चैट बॉक्स में डालते रहें ताकि हम वहां से क्वेश्चंस आपसे सर से पूछते भी रहेंगे और जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो जो क्वेश्चन भी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के हवाले से या पोल्ट्री मीट के हवाले से पूछना चाहें वो अपने सवाल हमें दें ताकि हम उन सवालात के जवाब आपको दें। अगर टाइम की कमी की वजह से हम तमाम सवालों को अगर एड्रेस ना कर पाएं तो उसके लिए मैं एडवांस में आपसे ये माजरत चाहूँगा, लेकिन हम उन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे और बाद में हम उनको आपको एड्रेस करेंगे। सो इसके साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे ऑनरेबल प्रोफेसर डॉक्टर अतर महमूद साहब से कि सर नाउ स्क्रीन इज़ योर और आप शेयर करें what is the role of animal protein especially the poultry products in human beings. Thank you very much sir. Thank you very much Shahzad Nabi Jadoon and rest of all the participants who are watching me this my presentation.
I have little bit changed the topic instead of which you have circulated among your colleagues. Since we have to talk about the role of animal proteins and particularly with reference to poultry products in human beings, so I will keep myself close to that one. And before going into detail, I just want to let know my audience or my participant that in this conversation, you can say there are different set of peoples. Maybe there are students, there are industrious, there are academicians, and general public. So I have tried my level best to make this presentation for all of them. For students, there will be a little bit knowledge for them. Then question generally public ask in the public service commission. And for the general public, what are the misconceptions about these animal proteins, particularly with reference to poultry products? I have talked about that. In one of my reading, I was reading in particularly with reference to a environmentalist who said that he has made an organization with the mind or the concept, you can say, roots and shoots. What was the roots and shoots from nursery to university? This was the main concept of that organization. What was behind that program? It was that every individual can make positive impact on the society. This was the, you can say, mission statement of that organization, which was working on environment, that roots and shoots. So roots, what roots are? Roots are our teenager or our school-going teachers, our school-going children, or the students who have just entered the university, or you can say nursery to the university. So whosoever are attending this seminar or this workshop, you can say, they must sit with a mind that they have positive in them. And when they will have positive attitude in their mind, I assure you that positivity will definitely have impact on the society. I am firm believer of that one. Moreover, Swail, next. So, since we have to talk about these proteins, so for the students, they must know what proteins means. We generally know proteins are the building blocks of the body. Whatever we are today and what we were in the childhood, there is a lot of difference. A lot of growth have been taken place in us. So it is a Greek word which means prime importance or first kind. So the indication or the you can say the meaning of the proteins as indicate that prime importance. If we are unable to get that protein, we will not in a situation or we will not in a presence as we see ourselves at this moment. They do most of the work in cells. Obviously, if we lack protein in our diet, we would not like as we are today. So that's why generally we call proteins as the prime importance or first kind. First kind means that without it, we are no more. Our growth, our you call it structural growth or bodily growth or mentally growth, which we'll talk in later of our slides, that we are nothing without these proteins. So these are required for the structure, function, and regulation of the body, tissue, and organs. So next. So these are the different functions. I just start from the birth of a child. When a child is born, he is just motionless, you can say. With the induction of protein in the form of mother milk, you just say, you just have observed, he started opening his eyes. After months or 2 months, he started moving his eyeballs, then moving his arms, and then taking his, you can say, right and left curvature, we call it as. So all these are the function of the protein which he or she is getting from her mother milk. So generally talking, if we say, proteins function are the structure proteins. All the muscles which are formed in our body, definitely these are owed to the protein function. Enzyme catalyst, aksar you might have heard about people, then there is arrhythmic movement of their enzyme, arrhythmic movement of their heart. This is due to the enzyme. Enzymes act as catalyst. Catalyst means that they enhance the function in the body. If a function is going to be take place, for example, without enzyme in 3 hours, with the production or with the catalyst as protein, it may take in an hour.
So important is the function of the protein in the enzyme catalyst. Then antibodies is immunoglobulin. Whenever our immune system is going to be down, जब भी हमारा immune system down होता है, हमारी antibodies कम होती है. Antibodies जो है वो animal source से बनी होती है. इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब ये recently COVID आया, people used to say कि हमें animal protein लेनी चाहिए, because animal proteins are the raw materials of the antibodies in the immune system. So important they are. फिर हार्मोन के हवाले से भी वी टॉक अबाउट मच अबाउट हार्मोन. इंसुलिन इज अ गिवन एग्जांपल. ग्रोथ के अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर, फिजियोलॉजी के अंदर, ऑल वी नीड दिस प्रोटीन्स. देन ट्रांसफर प्रोटीन एज ब्लड यूज्ड टू टेक द ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन विद इट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एंड प्रोटेक्टिव टॉक्सिन्स एंड एलर्जन, सम ऑफ द टॉक्सिन्स व्हिच आर बीइंग कलेक्टेड इन द बॉडी आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोटीन्स. So next, generally I call it proteins in human. You can say in the nails, in the red blood cells, in the hair, in the body muscles, in the brain. All these things are going to carry. But if I talk about the brain, you can very well say that all the thinkings, whether it is analytical thinking, whether it is critical thinking, we have to depend on our brain. So all these is due to the proteins availability in our body. If we are devoid of the protein, we are unable to do that analytic thinking, reasoning, you can say, whatever you call it. This way. I've explained it in a more general way, that how brain is working with the help of these protein. These are the neurotransmitter, which I have already, muscles, we talk about immune system, I already told you, inside our cell body. So hair, skin, blood, hormones, all these are due to the availability of protein. If our body's lack of that protein, all these functions which are performed by our brain, muscles, and immune system, and hair, blood, whatever you are looking at this slide, we will be unable to cope with them. This way. So generally speaking, for the students, that next, sir, ye puri kar do. Yes, stop over here. Proteins are made of amino acids. Now, amino acids are generally, we have known that these are of two types. One is essential and other is a non-essential. Non-essentially, the body make themselves. And essential is which we need from our, which our body needs from the food. So here I want to talk one thing more, which is beyond this lecture. कि हमने अक्सर ये आपने देखा होगा कि या सुना भी होगा कि लोग तकदीर के बारे में बात करते हैं कि एक हमारी तकदीर जो है वो स्टैटिक लक जिसे हम बोलते हैं कि तकदीर जामद है और एक तकदीर मुअल्लक है. मतलब मैं आपको बताना यहाँ पर ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल था कि जैसे नॉन एसेंशियल बॉडी अपने आप बनाती है, एसेंशियल भी तो खुदा ताला दे सकता था ना. ये हमें क्यों कहा गया कि वी नीड टू बी इनकॉर्पोरेट इन अवर बॉडी, कभी इसके बारे में सोचा? इसमें मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं. मैं रिसेंटली बाबा इरफानुल हक साहब का एक लेक्चर सुन रहा था. उन्होंने इसके अंदर दो बड़ी अच्छी बातें की जो कि मेरे इलम में पहले नहीं था. उन्होंने बताया, ही टोल्ड के एवरी डिजीज कैन बी क्योर्ड. एवरी डिजीज, देयर आर ओनली टू एलिमेंट्स व्हिच वी कांट, वन इज द डेथ एंड अदर इज द ओल्ड एज. ये दो ऐसी चीजें हैं जिनका इलाज नहीं है. बाकी दुनिया में आप कोई भी बीमारी ले लें, उसका हमारे पास इलाज है. अब ये एसेंशियल जो है, ये हम कहाँ से लेते हैं? ये हमने फूड में से लेना है. इट ऑल डिपेंड्स अवर फूड. कि अब हमने, अगर वो आप यूं कह लें कि जंक फूड खाना है, जैसे कि ये बड़े बड़े जनरल स्टोर तो नहीं कहना चाहिए, जो फूड चेन के ऊपर मिलता है, आप उसको खाना चाहते हो तो ठीक है, आप उसका आप वो खा के अपना सत्यानाश कर सकते हो. अगर आपने ऐसा फूड खाना है जिसके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इन रीजनेबल अमाउंट हो, जो हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को अच्छा कर सकते हैं, तो वी नीड दैट वन. सो मैं बताने का मेरा मकसद ये है कि यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दिया हुआ है कि वो जो तकदीर मुअल्लक है, जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे हम कहते हैं ना कि हमने किस घर में पैदा होना था, हमारे भाई बहन कौन थे, ये हमारी तकदीर जामिद या स्टैटिक है, हमारे इख्तियार में नहीं था कि हमने लड़का होना या लड़की होना, हमने मुसलमान घर में पैदा होना या हिंदू घर में पैदा होना. लेकिन किसी चीज़ के अंदर हमारा इख्तियार है. तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि फूड टू बी नीडेड, ऐसा फूड जिसके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होंगे, जो कि हमें फूड से मिलेंगे, वो हमारे इख्तियार में है.
इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अस कि हम किस किस्म का फूड खाएंगे तो हमारी हेल्थ जो है व्हाट विल बी आवर हेल्थ स्टेटस एंड हाउ वी कैन कोप विद द डिजीजेस। यस वेल आगे। अच्छा फिर ये बहुत ज्यादा एक बहस होती है एनिमल प्रोटीन की बात होती है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन की बात होती है। यहाँ पर मुझे उनकी एक और बात ही याद आ गई, मैं समझता हूँ कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। वो अक्सर लोगों ने सुना होगा कि हमने वी हैव हर्ड दैट इन द होम ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम देयर वाज यू कैन से दिनों महीनों या हफ्तों कहते हैं कि चूल्हा नहीं जला करता था। अच्छा अब ऐसी बात तो नहीं है कि चूल्हा नहीं जलता था तो वो खाते पीते नहीं थे या वो फाकों में गुजारते थे। यहाँ पर एक बात जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन की सपोर्ट में आती है कि वो लोग उस वक्त जो है वो खजूर का इस्तेमाल करते थे जिसमें ये कहा गया था कि उनके घरों में चूल्हे नहीं चलते थे। इट डज नॉट मीन कि वो फाका रहते थे, नो नॉट एट ऑल। ये भी बाबा इरफान उल्लाह साहब ने बात बताई, मैंने उनके इंटरव्यू में सुनी। उन्होंने कहा वो खजूर खा लेते थे, वो दूध पी लेते थे, वो शहद खा लेते थे। तो यहाँ से ये मुराद है कि जरूरी नहीं था कि हमने कोई चीज पकानी है तो फिर उसके अंदर हम खानी है। लेकिन यहाँ पर मैं साइंटिफिकली दोनों का तो अगर मैं जनरली मुवाजना पेश करूँ तो आई कैन से वी रिकमेंड एनिमल बेस्ड प्रोटीन मोर एज कम्पेयर टू प्लांट बेस्ड प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ द कम्प्लीट एंड दिस इज इनकम्प्लीट। कम्प्लीट इन दैट सेंस में आगे भी इसकी वजाहत आई विल मेक यू लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन फर्दर है दैट ऑन द बेसिस ऑफ द एसेंशियल अमीनो एसिड्स इट्स मेकअप इज वेरी मच यू कैन से परफेक्ट और कम्प्लीट एज कम्पेयर टू प्लांट बेस्ड एनिमल। प्लांट बेस्ड जो है वो उसके हवाले से उसको जो कहा जाता है ना, तो इसकी वजाहत के अंदर मैं आपको स्वयं नेक्स्ट करना इससे आगे इसकी वजाहत के अंदर मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ कि कई लोग जो हैं दे आर वेरी मच यू कैन से लाइक द प्रोटीन सोर्सेज ऑफ इन द फॉर्म ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन। इसमें मैं ये अप्रैल का जो रीडर डाइजेस्ट है इसमें मैंने एक बड़ी अच्छी बात पढ़ी, उसमें डॉक्टर एरन माइकोज हैं, ही स्पेशलिस्ट इन द प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी। वो इसके शुमारे में लिखते हैं कि वेजिटेरियन बी अवेयर दैट यू आर नॉट इम्यून। ये उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि हम अगर एनिमल प्रोटीन को एनिमल प्रोटीन की जगह प्लांट प्रोटीन वी विल ईट तो विल बी मोर सिक्योर, ही सेज नॉट एट ऑल। वो लॉट ऑफ रीजन इसके बारे में देते हैं कि ईटिंग ए डाइट लो इन एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड फैट and high in fresh se murad ki ye plant protein produce has been linked to the lower risk of cardiovascular disease. ke log ye samajhte hain ki agar hum animal protein ko kam khayenge aur fresh se yahi murad hai ki jo plant ke base se milti hain to hamara risk jo hai wo cardiovascular diseases ka kam ho jayega. lekin iske sath hi wo ye kehte hain ki agar humne meatless day kar diye, for example agar hum 2-4 din meat nahi khate लेकिन उसकी जगह के ऊपर हम रिफाइंड ग्रेन्स खाते हैं, सिंपल स्टार्ची कार्ब्स खाते हैं, शुगरी बेवरेजेस पीते हैं और डेयरी, तो फिर हमारा कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का चांस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मेरी कहने से ये मुराद है कि अगर आपने प्लांट प्रोटीन का आपको शौक है, आप खाते भी हैं, बट यू कैनॉट अवॉइड द एनिमल सोर्स एज वेल, जिसकी मैं वजाहत आगे आपको आके करूँगा कि कैसे हम उसको डिफरेंट तरीके से जो है वो कर सकते हैं। अच्छा इसमें एक और बात भी जो है वो मैं समझता हूँ कि हमारे ऑडियंस को पता होनी चाहिए जो कि हमें पहले नहीं पता थी, मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग रिसेंटली पता चली है। कहते हैं कि एक वक्त में एक खाना खाना चाहिए। अब हमारी जितनी डिशेज हैं वी हैव सीन ऑन अवर डाइनिंग टेबल्स वी यूज टू कुक 2-3 टाइप्स ऑफ मील्स एंड द रीजन इज वेरी सिंपल एंड वेरी लॉजिकल। एवरी फूड हैज डिफरेंट टाइम ऑफ डाइजेशन। So for example, if you are going to eat rice, rice digestion time is less as compared to meat. So if we are going to make some sort of vegetable time is as compared to some other food is very less. So it is always advisable when you are going to be on your dining table, you must have one kind of food on your table just to make the digestion at the same time. On that basis, it is simply said कि हमारे ये रमजान के महीने में लोग फ्रूट चाट खाते हैं, वो इसको भी मना करते हैं, कहते हैं हर फ्रूट का डाइजेशन टाइम डिफरेंट होता है, आप फूड लें लेकिन सेपरेटली उसको लें, सेपरेटली आपका निजाम भी अच्छा होगा और आपकी डाइजेशन भी अच्छी होगी। कमिंग बैक टू द प्रोटीन कंटेंट इन फूड, जैसे कि आप देख रहे हैं सीरियल के अंदर, पल्सेस के अंदर, मीट के अंदर, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन विच आर
in all these things. So we must take all these protein with combination of animal protein, जिसकी मैं आगे आपको बात करता हूँ. जी सुहेल. अच्छा, कैटेगरीज की जब हम बात करते हैं तो सिंपल इज दैट कि दीज आर द थ्री कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी कैटेगराइज द एनिमल प्रोटीन सोर्सेज. इट इज एग, मिल्क एंड मीट. यस, नेक्स्ट. बट सिंस आवर एम्फसिस इज ऑन दिस पोल्ट्री, सो वी विल कीप अवरसेल्फ, कर्टेल अवरसेल्फ टू दिस वन. एंड मेजर सोर्सेज ऑफ एनिमल प्रोटीन यू कैन से इट इज पोल्ट्री, फिश, मटन एंड बीफ. यस, नेक्स्ट. नेक्स्ट. सो पोल्ट्री, पोल्ट्री इज अ डोमेस्टिक पोल्ट्री. पीछे करोगे ये स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि पोल्ट्री डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स केप्ट बाय ह्यूमन फॉर देयर एग एंड देयर ओन मीट एंड नेक्स्ट. स्टूडेंट्स के लिए एक मैं बात करना चाहता हूँ कि डोमेस्टिकेटेड और वाइल्ड में थोड़ा सा फर्क समझ लें कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल को वी कॉल डोमेस्टिकेटेड व्हेन इट बिहेवियर इज सेम एज इट यूज्ड टू बी इन द वाइल्ड. आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ लोग ये चिड़िया चिड़े कैद कर देते हैं या तोते अपने वहां पे रख लेते हैं तो वो फिर अंडे देने बंद कर देते हैं. इट मींस दे आर नॉट अडॉप्टिंग टू द डोमेस्टिकेटेड बिहेवियर फॉर विच यू आर गोइंग टू कैप्ट हिम. ए बर्ड विच शोज हिज फुल बिहेवियर इन द डोमेस्टिकेटेड विच और शी यूज्ड टू इन द वाइल्ड, ये दोनों में फर्क है कि उनकी प्रोडक्शन इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ मीट, इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ एग्स, अगर उसके अंदर फर्क नहीं आता तो देन दैट बर्ड इज डोमेस्टिकेटेड. और पोल्ट्री का वर्ड जैसे मैं आपको ये नीचे लिखा हुआ नजर, कम्स फ्रॉम द फ्रेंच नॉर्मल वर्ड पोलेट, राइट फ्रॉम द लैटिन वर्ड पुलिस. मैंने इसका मतलब है कि छोटे जानवर. ये अक्सर पब्लिक सर्विस कमीशन में जब स्टूडेंट जाते हैं तो दो क्वेश्चन उनसे वो अजरा मजाक वो पूछ लेते हैं कि हाउ शी और ही हैज आउट ऑफ बॉक्स स्टडी. वन क्वेश्चन ही यूजली आस्क कि व्हाट इज कॉकटेल पार्टी एंड सेकेंड क्वेश्चन इज यूजली बींग आस्क व्हाट इज कॉकपिट. सो cocktail party is that party in which the European people, the people or you can say who are fond of their wine, they use different color of wine. And if you look into the tail of the cock, it give iridescent colors in the sunlight. Agar aap usko suraj ki roshni mein dekhenge, to aapko different color aapko show kar rahi hoti hai. On that basis, they have called it as cocktail party. Different color ki sharab hoti hai, usko enjoy karte hain. और कॉकपिट के वाले से भी ऐसे मेरे ज़हन में भाई दी बात आ गई कि कॉकपिट व्हेन पीपल यूज्ड टू फाइट दिस असील दे पुट देम इन अ पिट, पिट मीन गड़ा, गड़े के अंदर उनको बंद कर देते थे. सो दे मस्ट बी मोर फोकस्ड ऑन फाइटिंग दिस की अदर इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीपल सराउंडिंग बाय देम. तो वो पूरा अपनी फाइट करते थे. उसी बेस के ऊपर ये जहाज के अंदर कॉकपिट निकला हुआ है कि एक पायलट को ऐसी जगह दी जाती है जहां वो सिर्फ और सिर्फ जो इंस्ट्रूमेंट उसके सामने होते हैं ही और शी शुड बी फोकस ऑन दैट वन. तो ये बाय द वे मेरे ज़हन में टर्म आ गई, तो मैं चाहता हूँ ये स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए कि कॉकटेल पार्टी किसे कहते हैं और कॉकपिट जो है वो कहाँ से निकला और फिर क्यों जहाज के लिए ये पायलट के लिए इट इज बींग यूज फॉर द पायलट हु आर सिटिंग इन द कॉकपिट एंड ऑपरेटिंग द एरोप्लेन. यस वे. So now coming back to the poultry, as our more emphasis is on the commercial poultry, backyard poultry and game bird poultry. Poultry you can say divided into three generally part. Commercial poultry is very much prevalent in Pakistan, all over the world. Backyard poultry, which we call as indigenous poultry, or the local poultry you can say, or the rural poultry, and the game bird poultry. Game bird poultry is very much less in Pakistan compared to the rest of the birds in which we used to hunt the pheasants and quails and turkeys, or not turkey to some extent turkey, but generally it is regarding the pheasant. So commercial poultry is very much prevalent in Pakistan and we will talk little bit much about it. Yes, Sir. So commercial poultry generally we call as broiler, layers, breeder, grandparent stock. Much of the students know broilers ko meat ke liye bhi bolte hain, layers ko ande dene ke liye bhi bolte hain. Breeder wo hai jo parent stock hai, which is further divided into layer breeder or broiler breeder you can say, and grandparent is there you can say grandparent. Aur broiler ko aam taur pe kisi aur bhi definition se agar aage kar do to main bata sakun ki ye aam taur pe ye meat ke liye broiling. Broiling mean cooking by exposing food to direct radiant heat either on grill or over live. Generally jo hai na iska ghost ka jo सही मानों में लोग जो एंजॉय करते हैं वो इसलिए करते हैं दे कुक ऑन द रेडिएंट हीट एंड ऑन ईदर ऑन ग्रिल और ओवर द लाइव कोज. हल्की आग के ऊपर जब ये पकता है तो इसकी फिर जायका लोग बताते हैं कि बहुत अच्छा है.
और यहाँ मुझे एक रिसेंटली बात भी पता चलती है दैट आई विल लीव फॉर द लिसनर टू डिस्कस ऑन दैट कि आजकल बड़ा ट्रेंड हुआ खाने को स्मोक देने का SMOKE मुझे रिसेंटली किसी ने बताया दैट इज वेरी डेंजरस सो वी हैव अ ओपन डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक द वेदर वी शुड यूज आवर फूड ऑन स्मोक स्मोक फूड इज वेरी मच लाइक इन पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड बट इट इज बीइंग सेड दैट इट इज डेंजरस फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल एंड वन शुड नॉट डू अबाउट इट So these are the breeder parent and grandparent stocks and layers are used for the eggs and breeder parent stock is used for the chicks from which we get the layer chicks of the broiler and grandparents you can say these are the chicks of the breeder parent stocks. Yes. Next. So if we're coming back to the animal protein sources, so we can say that there are generally we divide it into 4-5 pieces that is the blood, drumsticks, thigh and egg. For the consumer I will say that there is a fight in Pakistan on the drumstick ke main patali boti lani patali boti ke andar jo hai wo aap ye dekh lenge kam jo hai wo protein hoti hai as compared to jo aapka breast meat hota hai breast meat is more lean as compared to this one but generally I have given some figures ke isme calories itni hai protein itni hoti hai aur ye iske andar 17 gram hai iske andar thigh ke andar 28 gram aur ande ke andar itne hai when it is in the cooked form ye as such hai jab cooked form mein ho jati hai to fir iski protein jo hai wo 28 ho jati hai because water is removed or on that basis its protein content is very much high as compared to the on as such form so you can very well imagine ke calories bhi bahut zyada nahi hai green aur uske baad mein keh rahe hain protein bhi usme zyada hai fat ki percentage kam hai 7.2 hai 10 gram hai ye hai ye aapke samne tino figures nazar aa rahi hain so one must keep in mind ke jab wo cheez kha raha hai उसको पता होना चाहिए कि आउट ऑफ दैट विच वन इज द मोर प्राइमियर प्रीमियर फीड यू कैन से और मीट यू कैन से लीन मीट हम उसको कहते हैं जिसके अंदर से जो है वो फैट का कंटेंट जो है वो ज्यादा और इसलिए आपने देखा होगा कि बाहर के मुल्कों के अंदर जो है वो बीफ को ज्यादा पसंद किया जाता है बिकॉज दे फिक्स द प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ द लीन मीट हाउ मच फैट इज लेस इन दैट जबकि हमारे यहाँ पे सबसे सस्ता कंपेयर टू द मटन और बीफ जो है मटन और पोल्ट्री जो है वो बीफ को समझा जाता है लेकिन बाहर के मुल्कों के अंदर मुझे अच्छी तरह याद है शहजाद नबी जदून के साथ हम केंटकी गए तो वहाँ पर उन्होंने बीफ रखा तो मुझे तो उसको देख के कुछ हो रहा था मतलब वो हाफ कुक था या पता नहीं क्या उनका दिखा लेकिन सबसे ज़्यादा जो पहले वो डिश ख़त्म हुई वो उसी बीफ की थी तो हमारे यहाँ पर अभी लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है हम लोग थोड़े से चट हो रहे हैं जिसके ऊपर मैं आगे भी आपके बात करूँगा तो इसकी वजह से हम जो है वो उस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं मतलब अक्सर मैंने एक वो सेमिनार देखा जिसमें ये जंग वालों ने करवाया था तो वहां पर सुहेल बड़ाई साहब ने एक बात कही वो बात उन्होंने क्या की थी जो मर्जी हो सानू ताले ब्रॉयलर चो हो जाए जायका नहीं आता भी हमने वो नहीं खाना यानी हम लोग थोड़े से ना जायके के ऊपर जाने वाली कौन है हालांकि जायके का न्यूट्रिशन के साथ नो रिलेशन नॉट एट ऑल रिलेशन के साथ कोई भी नहीं है तो हमें इस लिहाज से उसको थोड़ा सा जो है वो देखना चाहिए कि ये वाला काम नहीं करना चाहिए जी आगे सुहेल अब थोड़ी सी इसकी बायोसिंथेसिस की बात कर लें कि प्रोटीन कैसे हमारे जिस्म का हिस्सा बनती है जब प्रोटीन हम खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड वो मीट हो सकता है मिल्क हो सकता है एग हो सकता है तो वो अमीनो एसिड में ब्रेकअप होता है अमीनो एसिड मजीद जो है वो डिसइंटीग्रेट होके फिर उनकी रीसिंथेसिस होती है ह्यूमन बॉडी में दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ मसल दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ हेयर दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ नेल्स जो भी बॉडी का हिस्सा उसमें बनता है एनिमल और प्लांट प्रोटीन सोर्सेज वेरीज इन कंटेंट्स ऑफ एसेंशियल इसी में ये फर्क है जो हम शुरू में बात कर रहे थे ना एनिमल एंड प्लांट प्रोटीन सोर्सेज वेरीज इन कंटेंट्स ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड देयर अब्सॉर्प्शन रीसिंथेसिस मतलब एनिमल प्रोटीन को हम क्यों अच्छा कहते हैं कि इसकी अब्सॉर्प्शन बहुत अच्छी हो जाती है ये जल्दी बिकम रेडली बिकम पार्ट्स ऑफ बॉडी जिसको हम आगे आगे डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजिकल वैल्यू जो है इसकी ज्यादा होती है इसी वजह से जब ये कोविड का आया तो लोगों को यही एडवाइस किया गया था कि वो चिकन का या एनिमल सोर्स का जितना गोश्त है उसका सूप पिए क्योंकि एंटीबॉडीज आपके जिस्म में कम हुई हैं तो एनिमल प्रोटीन जो होती है दैट बिकम्स रॉ पार्ट ऑफ द एंटीबॉडीज वो उनके लिए रॉ पार्ट का अदा करती है उनके लिए एक बेसिक जो है वो इंग्रेडिएंट है तो जितना ज्यादा हम एनिमल प्रोटीन लेंगे उतनी ज्यादा हमारी इम्यूनिटी जो है वो डाउन होती है अभी भी आपने देखा होगा कि जब कभी कोई इंसान बीमार होता तो पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उसको सूप दिया जाए या यखनी दिया जाए तो उसके पीछे रीजन यही होती है तो ये आप बात ध्यान में रखें कि ये एंटीबॉडीज इम्यून सिस्टम में कम होती हैं तो वी नीड टू इंप्रूव द एंटीबॉडीज और ये जो एनिमल प्रोटीन होती है दैट एक्ट्स एज रॉ मटेरियल फॉर दीज एंटीबॉडीज जी सर
ये उसी को मैं जरा थोड़ा सा मजीद किया कि प्रोटीन जब डाइजेस्ट होती है तो पेप्टाइड और अमीनो एसिड में बनता है, फिर इनकी एब्जॉर्प्शन होती है, दोबारा अमीनो एसिड में बनते हैं, फिर ये आगे बॉडी की जो प्रोटीन एंजाइम कह लें, प्रोटीन कह लें, हार्मोन कह लें, एंटीबॉडीज, एनर्जी हमें देती हैं, ग्लूकोज देती हैं, क्योंकि जो भी हम फूड खाते हैं ना, याद रखें कि वो ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर हमारी जिस्म को मिलता है। जब ग्लूकोज बढ़ जाता है तो वो ग्लाइकोजन में तब्दील हो जाता है, और जब कभी हमें जरूरत पड़ती है तो यही ग्लाइकोजन जो है हमारी कीटोन्स बॉडी जिसे हम कहते हैं उसकी ब्रेकअप होती है और हमें ब्रीम मिलना शुरू हो जाता है। तो ये जनरल सा फॉर्मूला याद रखें जी। आगे व्हाट मेक्स पोल्ट्री मीट ए वैल्यूएबल, अब हम क्यों इसको कहते हैं ये दूसरों से ज्यादा, एनर्जी को बहुत ज्यादा नहीं है इसका, बहुत ज्यादा आपको कैलोरीज नहीं देता, मॉडरेट फॉर्म ऑफ एनर्जी देता है, हाईली डाइजेस्टेबल प्रोटीन है विद दो लेवल्स ऑफ कोलेजन। कोलेजन जो है ये गोश्त को सख्त करते हैं और डाइजेशन में मुश्किल करते हैं, जैसे कि अगर आप देसी बर्ड को हम कहते हैं तो वो आप देखें, आप उसको जब खाते हैं, व्हेन यू ईट इट यू हैव टू पुट मोर फोर्स व्हाइल ईटिंग द देसी बर्ड एज कम्पेयर टू द ब्रॉयलर वन, सो द कोलेजन फाइबर इज लेस इन दैट, दैट्स व्हाई इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटीज enhanced as compared to the rest of the world. Unsaturated fatty acid mainly found in the skin and easily removed, or skin ko we usually remove. People, those who have come from the other countries, they never remove the skin. They love to eat the chicken with their skin. And in one of the lectures, Dr. Kareem saab bata rahe the, mujhe aaj bhi unki baat yaad hai. Wo keh rahe the ki hume agar skin ke saath we used to cook the chick with the skin, we need less oil to put into the our curry. तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है, हमें इस चीज की आदत डालनी चाहिए। और आई हैव टेकन वन और टू टाइम एंड आई टेल यू इट बिकम्स वेरी मच टेस्टी व्हेन यू ईट द चिकन विद द स्किन ड्यू टू दिस फैक्टर्स। बी ग्रुप विटामिंस ऑल आर प्रेजेंट इन दैट वन, मिनरल्स लाइक आयरन, जिंक एंड कॉपर, दीज आर द वेरी इन माइन्यूट क्वांटिटी दे आर प्रेजेंट इवन देन एंड वेरी मच हेल्पफुल टू द मेक इट अ वैल्यूएबल फूड। दिस वे एडवांटेजेस, animal sources contain higher quantities and more balanced proportion of amino acid, I earlier we talked about it, and relative to human tissue uske liye aise they give it a more strength as compared to the plant sources, uske liye aise kehte hain to in dono ka combination hi ho to acha hota hai. Low intake of plant based food means no extra starch, this is very important, low intake of plant based food means no extra starch consumption. This is important for individual whose metabolic profiles may be compromised by high intake of digestible carbs. Un logon ke liye acha hai, matlab jinka compromise hai digestive system ya carbohydrate ke liye aise karna chahiye, lekin main ye samajhta hu ki agar aap hafte mein 3 din of animal protein ka istemal karne with combination of plant protein, that would be the good combination regarding the digestion as well as the health of the human beings are concerned. Yes, next slide. What protein sources supply in our body? Adequate intake of lean meat promotes protein synthesis, ye hamare karte hain, and sustains skeletal muscle, we need it, and functional including physical strength while improving insulin sensitivity and reduce insulin sensitivity ke upar main aapko ek badi important baat batana chahta hu. Isme main Haleem Nazir sahab ka ek quotation main har apne wahan pe karta hu, bada acha wo dete hain, क्योंकि ये जो खवातीन के अंदर जो बीमारियां आती है जिसको हम पीसीओडी बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज भी कहते हैं, लेकिन अब पहले उसको सिंड्रोम कहते थे। सिंड्रोम और डिजीज में यही फर्क होता है कि व्हेन देयर आर डिफरेंट उसके अंदर कॉजेटिव एजेंट और आपको पता ना चल रहा होता है कि क्या है, तो उसको हम सिंड्रोम बोल देते हैं, लेकिन जब उसका पता चल जाता है तो फिर हम उसको पीसीओडी बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। उसमें इंसुलिन इंप्रूविंग के लिए बहुत ज्यादा, ये आम तौर पे ना, मतलब जब ये पोल्ट्री के बारे में बात होती है तो हनीफ नजीर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी आज से 2 साल पहले, तो वो कोई डाइटिशियन आई थी खातीन, मतलब इनकी न्यूट्रिशन की, उन्होंने कहा जी कि ये जो पोल्ट्री के बारे में उनका एक मिसकंसेप्ट था कि ये करता है वो करता है ना करता, तो उन्होंने एकदम से कहा कि मैडम आप मुझे बताएं कि अब आप पहले कौन सी आप 6 मुर्गी छलांगे लगाती थी, जो आपसे 6 मुर्गी छलांगे नहीं लग रही थी, तो खाम खाम बात को बतंगड़ बुला लेना उसके अंदर हो कुछ ना, तो ये मैं उनका कोटेशन जो है मैं हर जगह तकरीबन मैं कोट कर देता हूँ कि जो खवातीन ये कहती हैं कि ये खाने से ये हो जाता है। इसमें एक मोटी सी बात जो है ये हमारी बच्चियां अगर सुन रही हैं या हमारे मेल भी सुन रहे हैं तो ये हमें जरूर एजुकेट करने की जरूरत है कि पीसीओडी 4 किस्म की खवातीन में होगा, ये याद रखें। एक वो खवातीन होंगी जो मोटी होंगी, एक वो खवातीन होंगी जो हिर्सुटिज्म है कि जिनके चेहरे पे बाल होंगे वो होंगी, एक वो होगी जो प्राइमरी इनफर्टाइल होगी वो बच्चे पैदा नहीं कर रही, और एक वो खवातीन जिनके मेंसेस की रेगुलरिटी जो है वो नहीं हो रही,
ये एक तो चार बातें ज़हन में रखें, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो बहुत कम लोगों को पता है कि ये जो किसी के घर बच्चा नहीं पैदा होता तो वो नई शादी के लिए अपने आप को तैयार कर लेता, 55% अगर खवातीन का ये कसूर है जिसका भी मैंने एक चार फैक्टर बताया, तो 45% जो है वो मर्द का भी कसूर होता है, लेकिन उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता। तो अगर खुदा ना खासा फैमिली में ऐसा कोई मामला हो रहा है और वो बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो उस बंदे ने भी फर्टिलिटी सेंटर लेके जाओ, क्योंकि 45% उसका भी फॉल्ट हो सकता है। तो ये कह के उस चीज़ को छुपा लेना और खवातीन को यूं कर देना, ये अच्छी बात नहीं होती। इसमें अब तो इतने डायग्नोस्टिक टूल्स आगे हुए हैं कि आप सबसे पहले हार्मोन्स लेवल चेक करें, और दूसरा ये कि ये इन खवातीन में भी होता है जिनके अंदर इंसुलिन, ये यहाँ इंसुलिन से बात चली थी मेरे जहन में आ गई, कि जिनके रिसेप्टर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस रिसेप्टर हो जाएंगे तो देर आर सर्टन हारमोन्स विच एक्ट लाइक एंड्रोजन, एंड्रोजन इज मैन लाइक, तो वो भी उनके अंदर ये वाली खसूसियात आनी शुरू हो जाएंगी कि चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाएंगे या इनफर्टाइल हो जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले हार्मोन इम्बेलेंस जो है उसको चेक कराना चाहिए, इसके अंदर FSH और LH। आमतौर पर लोग ये बताते हैं जो मेडिकल डॉक्टर के LH जो है उसका लेवल बढ़ जाता है, उसका जब लेवल बढ़ता है तो उसकी कोशिश होती है कि ओवा के ऊपर मौजूद जो ओवरी के अंदर ओवा है उनको रप्चर किया जाए, तो वो फिर कभी रप्चर हो गए कभी रप्चर ना हो गए, जिसकी वजह से इरेगुलर मेंसेस आते हैं, तो ये वाली बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। और तीसरी और आखिरी बात इसमें ये रखें कि अगर माँ को ये PCOD है या खाला को है तो ये बेटी में भी आएगी और भांजी में भी आएगी, तो ये हमें लोगों को बताने की बड़ी सख्त जरूरत है। तो वो फिर यूँ कह देना कि जी हार्मोन आप इनको खिलाते हैं और उसकी वजह से ये वाला होता है। और आखिरी बात क्या है कि हमको ये भी चुप कराते हैं कि हार्मोन आर हीट लेवल, अगर वो हांडी में आ भी जाए, वो तो आते ही नहीं है, लेकिन मैं अगर उनकी बात को सच की साबित समझ लूँ तो वो दे आर हीट सेंसिटिव, तो हांडी के अंदर वो जाके तो वो डी नेचर हो जाते हैं। तो ये हमें बताना बड़ा जरूरी है बच्चों के लिए कि ये PCOD को इसके साथ रिलेट करना बिल्कुल गलत है। बहुत ज्यादा उसके ऊपर लेक्चर हो चुके हैं, काफी ज्यादा लोग हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है उसको नरेट करने से बाज नहीं आते भी। जी सुहेल, नेक्स्ट। एनिमल प्रोटीन सोर्स इज बेस्ट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, यस, उसके लिए ये बहुत अच्छी है, क्योंकि बिकम रेडली कंसेप्ट ड्यूरिंग, आपने कई दफा मैंने बताया कि वो इसराइल के अंदर जो प्रेगनेंट वुमेन होती है तो उनको वो खजूर का और ये मछली का जरूर ज्यादा इस्तेमाल करवाते हैं, क्योंकि मछली भी जो व्हाइट मीट के अंदर रहती है मायोग्लोबिन कम होता है, पोल्ट्री के अंदर भी मायोग्लोबिन कम होता है, जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो इतना ज्यादा डार्क नहीं होता है एज कम्पेयर टू रेड मीट। तो ये अंडा मछली और खजूर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा इसमें करवाते हैं। तो एंड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग उसके भी कराते हैं ड्यूरिंग ग्रोथ एंड इन द गैरियाट्रिक एज मीन ज्यादा ओल्ड एज हो जाती है। Suitable for those who have an increased need for calorie and protein compared to the general public. इसके pregnant woman को देना जो है ये बहुत ही फायदेमंद साबित हो चुका जो आज तक की हमने study की है। Protein requirement of the protein is dependent on its nutritive value, caloric intake and physiological state. ज़ाहिर है बच्चा उसकी कुछ और है, जो जवान है उसकी कुछ और है, pregnancy, lactation में उसमें ज्यादा, लेकिन जनरली 0.8 अगर हम लें तो अगर 80 किलो का बंदा हो तो उसको आप समझ लें 64 चाहिए, 64 में से कहते हैं 40 जो है वो इसकी है एनिमल का सोर्स होता है और बाकी जो है हम प्लांट का लेते हैं, मजमू तो होता है 63-64 हम इसको कहते हैं। ये फिगर मैं थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी कर सकता हूँ, तो इसको इस एंगल से आप देख लें, तो हमें जैसे पता कि 27 ग्राम हमें एनिमल प्रोटीन चाहिए, तो अगर 64 चाहिए तो रेस्ट ऑफ द हमें प्लांट प्रोटीन चाहिए। तो वो मेरी शुरू वाली बात कि वी मस्ट अडॉप्ट अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, हफ्ते में 3 अगर हम अपनी प्रोटीन करते हैं या रोज भी कर लें, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अगर हम नहीं करते तो कोई हर्ज नहीं है। द रिक्वायरमेंट इज नीड टू डबल फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन प्रेगनेंट, क्योंकि ज़ाहिर जब उनकी कंजम्पशन ज्यादा हो रही है तो वो भी ज्यादा है, जिस तरह ये बॉडी बिल्डर जो है ये 12 अंडे भी खा जाते हैं, क्योंकि इनको फिर मसल को दोबारा रीटोन करने के लिए इनको प्रोटीन की जरूरत होती है, तो इसलिए ये जल्दी बन जाती है। और अंडे वो इसलिए खाते हैं बिकॉज इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू ज्यादा, जिसको मैं आगे आके आपके साथ जिक्र करता हूँ। जी सुहेल, हाउ टू जज ए प्रोटीन, अब ये वो थोड़ी सी जरा टेक्निकल बात है कि PBNC के हम प्रोटीन को कैसे जज करते हैं। ये चार मेथड है, प्रोटीन एफिशिएंसी है, बायोलॉजिकल वैल्यू, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन और केमिकल स्टोर है। प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो से ये मुराद है कि जितनी आपने प्रोटीन खाई उसने कितने परसेंट एफिशिएंटली आपका यूज किया, ज्यादा वो मतलब आउट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम निकल गई है, बाकी उसने अपना काम किया। बायोलॉजिकल वैल्यू से ये मुराद है हाउ रेडिली इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर बॉडी, कि आपने अगर 100 ग्राम प्रोटीन खाई है तो उसमें से 90 ग्राम आपको लगी है कि 80 ग्राम आपको लगी है कि ये वैल्यू है।
फिर नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन है, जैसे किसी को ग्रॉस सैलरी मिलती है, ग्रॉस सैलरी में से टैक्स निकल गया घर के बिजली का बिल ना सी लेकिन टैक्स निकल गया, कोई हाउस रेंट आपका निकल गया, अब आपके पास नेट क्या बचा है? तो ये भी हम कहते हैं कि जब हम ग्रॉस प्रोटीन खाते हैं तो उसके अंदर आपने 100 ग्राम खाई तो इन रियलिटी आपको कितनी मिली, कितनी बर्न होगी, कितनी आपकी बॉडी का हिस्सा बनी। और एंड पे हम जो है वो केमिकल स्कोर के बेस के ऊपर उसको देखते हैं, जो कि सारी दुनिया के अंदर ये मुरव्वज है कि इस तरीके से हम प्रोटीन की जो है वो एफिशिएंसी करते हैं। यस, नेक्स्ट। इसमें आप देख लें कि एग की पर भी बायोलॉजिकल वैल्यू, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, केमिकल स्टोर जो है वो ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा है, कि सबसे ज्यादा एफिशिएंटली बायोलॉजिकल वैल्यू भी आप देखें 94 के करीब है, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन भी आपने 100 ग्राम खाया तो 90 आपको लगे, ये 94 है, केमिकल स्कोर इसका ऑलमोस्ट 100 के करीब है, मिल्क का, फिश का, मीट का, तो यू कैन वेरी वेल सी कि इनके अंदर सबकी जो है वो केमिकल स्कोर, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन जो है वो एनिमल की ज्यादा है एज कम्पेयर टू, अगर आप बाकी देखें, अगर हम गंदम खाते हैं, चावल खाते हैं तो उसकी जो है वो एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द ज्यादा। तो इसलिए मेरा तो यही मशवरा, बाकी ये बहस भी हो सकती है कि हमें कॉम्बिनेशन में खाना चाहिए या अलग खाना चाहिए या कैसे खाना चाहिए, इट इज अ डिबेटेबल सब्जेक्ट। जी, नेक्स्ट है। अच्छा, ओवरऑल हम सैलरी की बात करें, एन एस्टिमेटेड 1 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड सफर फ्रॉम इनएडिक्वेट प्रोटीन, ये एक सर्वे किया गया था, प्रॉब्लम स्पेशली सीवियर इन सेंट्रल अफ्रीका, अफ्रीका में बहुत ज्यादा है, सर्टन पीपल डेवलप्ड कंट्रीज आर आल्सो एट रिस्क, उनको भी बहुत ज्यादा समझा जाता है। तो ये एक सर्वे किया गया कि पूरी दुनिया के अंदर इम्बेलेंस डाइट है, जो कि ओल्डर पीपल में और हॉस्पिटलाइज पेशेंट में बहुत ज्यादा थे, वी नीड टू वर्क ऑन दैट। जी, आगे जी, ये नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे किया गया था जिसके अंदर ये एक रिपोर्ट आई है, नेस्ट, उसमें ये देखा गया कि स्टंटिंग ग्रोथ 45% भी कई लोग क्लेम करते हैं, उसके बाद वेस्टिंग भी है कि उम्र के लिहाज से कद कितना होना चाहिए, एज के लिहाज से कद कितना होना चाहिए, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा कमी है, अंडरवेट भी लोग आते हैं और ओवरवेट भी आते हैं, तो ये रूरल स्टडी भी की गई है, शहरों में भी स्टडी की गई है, तो ये हर तरह का अगर देखा जाए तो स्टंटेड ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा, तो ये हमें बहुत ज्यादा माल न्यूट्रिशन की जरूरत है, खास तौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, अगर यही से माल न्यूट्रिशन इनकी हो जाएगी तो ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर दे विल नॉट बी ए यूजफुल सिटीजन ऑफ द सोसाइटी, तो वो मस्ट गिव मच एम्फसाइज ऑन दैट कि ये बच्चे जो हमारे पास आ रहे हैं इनको इस किस्म की कमी ना हो। तो मैं कई दफा पहले भी हम कह चुके हैं, हमने पत्तों के अंदर भी एक वो अंडा ड्रमस्टिक का प्रोग्राम चलाया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बंद हो गया, जितना अर्सा वो रहा बच्चों की सेहत भी अच्छी हुई थी, उनका एडमिशन का स्टेटस भी बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया। तो आज भी मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत बजाय हॉस्पिटल बनाने के तो यही वाला एक काम कर दे, स्कूलों के अंदर अंडा दूध की सप्लाई हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बजट जो हम हेल्थ पे लगाते हैं बच्चों की और उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है। तो ये पैगाम जो हर सूरत हुकूमत को पहुंचना चाहिए कि माल न्यूट्रिशन बच्चे अगर पैदा होंगे तो वो सोसाइटी के लिए एक फ्रूटफुल या यूजफुल सिटीजन होने के बजाय एक बहुत बड़ा बोझ होंगे। जी सर, एडोलसेंट न्यूट्रिशन, ये भी एक सर्वे है 10 से 19 साल के बच्चों के अंदर कि नॉर्मल जो है वो इतने हैं, अंडरवेट इतने हैं, ओवरवेट इतने हैं, ओबेसिटी इतनी है, ओबेसिटी सेल्फ से बहुत बड़ी बीमारी है, हमें इसके लिए कुछ ना कुछ डेफिनेटली करना चाहिए। जी, आगे, ये प्रोटीन डेफिशिएंसी की क्वाशिकोर करके नाम से डिजीज है, जो कि कहते हैं कि एक बच्चों में उन बच्चों में पैदा हो जाती है जब अगला बच्चा आता है तो वो इग्नोर हो जाता है, ये आमतौर पर वैसे अफ्रीका वगैरह में पाई जाती है, फाउंड इन द चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 5 years ऑफ एज, दिस इज प्राइमरीली ड्यू टू द इनसफिशिएंट इनटेक, जब प्रोटीन इनको नहीं मिलती तो ये उनके अंदर जो है वो बीमारी पैदा हो जाती है, तो हमें इसका भी ख्याल करना चाहिए कि प्रोटीन की किसी लिहाज से भी डेफिशिएंसी ना हो। जी सर, अच्छा, ये हमने कैलकुलेशन की थी एग की, चिकन की, बीफ के लिहाज से, उनकी कीमत के लिहाज से, तो ये आप देख लें कि तकरीबन 8 पैसे के हिसाब से ग्राम प्रोटीन की कीमत हमने अगर 200 रुपया लगाई थी चिकन की, मटन की, हर एक की लगाई थी, तो उससे ये हमने उनकी पर प्रोटीन ग्राम की हमने कीमत लगाई हुई है, तो उससे हम देख सकते हैं कि प्रोटीन जो है वो वेरी वेल इन द चिकन एंड एग। यस, नेक्स्ट। टेक होम मैसेज मेरा यही है कि प्रोटीन जो है हाई बायोलॉजिकल वैल्यू है, लेस फैट है इनके अंदर, विटामिन B12 है, ट्रिप्टोफैन को इसलिए हमने कहा कि ये दिमाग को रीजनिंग देता है, सोचने समझने की सलाहियत देता है, तो इसलिए कहा जाए कि बच्चों को जो है अंडा जरूर देना चाहिए उनके अंदर, क्योंकि ट्रिप्टोफैन उसके अंदर बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल भी आपने देख लिया है, सेव इन एनी एस्पेक्ट है, कोई हार्मोन इसमें ऐड नहीं होते, कोई स्टीरॉइड नहीं ऐड होते,
न्यूट्रिशियस, ये भी ऐसे लोगों की बातें बनी हुई हैं, कार्सिनोजेनिक, ये भी कोई ऐसा मसला नहीं है। ये एंड पे मैंने ये लफ्ज लिखा हुआ है LS, LS मैं बार बार ये कहता हूँ कि लाइफस्टाइल, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। कुकड़ी देते अंडे देते सारा डोल पा दो तो आप कुछ ना करो, मतलब वो जंक फूड खा रहा है, हिलजुल कोई नहीं है लाइफ के अंदर। इसमें मैंने एक जगह बड़ी अच्छी बात पढ़ी थी, मैं बड़ी दफा स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर चुका हूँ कि लाइफस्टाइल की जब हम बात करते हैं तो एक चीज याद रखें, हम सारे वैसे उसका शिकार है, रात को देर से जागना। और मैंने एक दफा बड़ा अच्छा पढ़ा था, उन्होंने बताया कि रात के वक्त आपके लिवर का साइज जो है वो 11 से लेके सुबह 3 बजे तक उसका साइज इंक्रीज करता है, ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, तो जितने टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे लिवर में इकट्ठे होते हैं और अगले दिन वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए या यूरिन के जरिए आपके ब्लड के अंदर जाके वो निकल जाते हैं। अब अगर हम 12 बजे सो रहे हैं, हमने उसके दो एक घंटा घटा दिया, अगर हम 1 बजे सो रहे हैं उसमें हमने 2 घंटे घटा लिए, अगर हम 3 बजे सो रहे हैं तो हमने उसको टाइम ही ना दिया। और मैंने ये बड़ा नोट किया है, आजकल आप भी देख रहे होंगे लोग लेट सोते हैं सुबह चाहे 12 बजे उठे लेकिन उनका जिस्म जो है वो फ्रेश नहीं होंगे, और वो खुद कह रहे होंगे कि यार मैं इतना सोया भी हूँ तो बन गया हूँ, कि वो सारे टॉक्सिन्स उनकी बॉडी के अंदर रह गए, वो उनको हेल्दी नहीं रहने देंगे। इसलिए कोशिश करेंगे लाइफस्टाइल की जो मैं चेंज की बात करता हूँ कि वो 11 के बाद लेटना शुरू कर दें, उस वक्त ना जागें। और इस तरह मेलाटोनिन भी जो भी रात का टाइम बनता है, इवन आप कमरे में अंधेरी करके आप बैठे हुए हैं उसको मोबाइल को ऑन करके, तो उस लाइट में भी वो मेलाटोनिन पैदा नहीं होगा। उसके बाद कहते हैं ब्लड सप्लाई तमाम आपकी 3 से लेके 5 बजे तक आपके लंग्स के ऊपर चले जाती है। आप उठें, नमाज पढ़ें, सुबह की सैर करें, फ्रेश ऑफ ब्लड जो है वो आपके लंग्स के ऊपर है, ऑक्सीजन के इनहेल करें, फिर ब्लड सप्लाई आपके बॉल्स पे चला जाता है, आप बाथरूम जाएं, अपने आप को फारिग करें, और 7 से 9 तक कहते हैं मच ऑफ द रश ऑफ ब्लड गोज टू योर स्टोमिक। इसलिए वो कहा जाता है कि नाश्ता जो है वो लाइक अ किंग, लेकिन मेजोरिटी मैंने स्टूडेंट को देखा है 1 ग्लास दूध का पी लेती हूँ या पी लेता हूँ तो, या 11 बजे आके नाश्ता करते हैं। तो ये वो लाइफ स्टाइल है जो कि बिटर रियलिटीज है हमारी जिंदगी की, अगर हम इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये फिर हमारे ऊपर डोमिनेंट होते जाएंगे। वो 30 साल की जवानी जो है वो 20 साल की उम्र में खत्म हो जाएगी, 20 साल वाला नौजवान वो 30 साल लगेगा, 30 साल वाला 40 साल का लगेगा। तो ये ऐसा ट्रिकल डाउन और ग्रेजुअल इफेक्ट है कि जिसका हमें अंदाजा नहीं हो रहा। अभी हमें सबको इसके ऊपर बहुत ज्यादा सोच विचार की जरूरत है। और इसके आखिर में मैं एक और बात जरूर कहूंगा कि जब कभी एक कोई खाना अपनी फैमिली के साथ ऐसा जरूर कर लें, कोई एक खाना आमतौर पर रात का ही होता है जिसमें आप तमाम फैमिली मेंबर्स बैठे और कसम खा लें एक दूसरे के लिए कि आपके पास मोबाइल नहीं हो, यू चैट विद योर सेल्फ। कहने को तो ये टेक्नोलॉजी आ गई है लेकिन इसने हमें करीब करने की बजाय बहुत दूर कर दिया। इसके साथ आई फिनिश माई लेक्चर विद द होप के कुछ ना कुछ बात आपके जहन में आ गई होगी, एंड वी मस्ट कन्वे दिस मैसेज टू ऑल अवर यंगस्टर, अवर पेरेंट्स एंड ऑल दोज पीपल हु आर अगेंस्ट दिस पोल्ट्री, बिकॉज नथिंग एज सो फार हैज हैपन। बड़ी अदर रीजन है दूसरी बीमारियों की जिनके ऊपर कोई जो है वो तवज्जो नहीं देता या तवज्जो देना नहीं चाहता जानबूझ कर, अदरवाइज इन चीजों के अंदर कोई बुराई नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर अत्तर महमूद साहब, आपने यू डिड अ ग्रेट जॉब बाय शेयरिंग कि आपने प्रोटीन से लेके उसकी जो इम्पोर्टेंस है, ख्वाह वो मछली में है, गोश्त में है या मुर्गी के गोश्त में है, और इन स्पेसिफिक आपने तमाम चीज़ों को हाईलाइट किया जो कि हमारे तमाम सुनने वाले लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऑफ कोर्स देर आर फ्यू मिथ्स जिनके ऊपर हमें डिस्कशन या डिबेट भी करनी चाहिए, लेकिन बॉटम लाइन क्या है कि लाइफ के अंदर बैलेंस होना चाहिए क्योंकि द बैलेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और ऑफ कोर्स आपका जो लाइफ स्टाइल है वह बहुत मैटर करता है, जिसमें आपका सेल्फ डिसिप्लिन है, ख्वाह वो सोने का हो, वह ख्वाह खाने का हो, ख्वाह वो अपने आप के लिए अपना टाइम निकालना हो, वर्कआउट करना, वो तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं अपने तमाम जो यहाँ पे मौजूद हमारे कोलीग्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज़ रेज योर हैंड सो दैट वी कैन इन्वॉल्व यू एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और साथ ही साथ जो लोग हमें लाइव व्यू कर रहे हैं फेसबुक पे, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्वेश्चन पोस्ट करें, हम कोशिश करेंगे उन तमाम क्वेश्चन को आंसर करें। सर किसी बाकी ऑडियंस का क्वेश्चन लेने से पहले मेरा एक सवाल है सर कि जैसे कि आपने ये तमाम चीज़ें बिल्कुल सिंपल तरीके से और बड़ी अंडरस्टैंडेबल वे में बताई
कि प्रोटीन का बुनियादी मकसद क्या है एंड व्हाट इज द पार्शियल रोल ऑफ एनिमल प्रोटीन स्पेशली ह्यूमन बीइंग के अंदर, उसकी जो बॉडी डेवलपमेंट है या ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर. तो व्हाई एवरी टाइम वी कम अक्रॉस विद दीज जो मिथ्स हैं जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जी इसको ना खाएं, इससे इसके खाने से ये होता है. What is the best possible solution to address these myths? So in that regard, I will say that regarding the myths, you have to put your effort throughout your life. You will have to. I tell you a very short story. A couple of years ago, all of my relatives used to put me same question. When I repeatedly conveyed them and told them logically, all they have understood it now. Now, to my on my side, at least my relatives, my brother and sister, my all the relatives far and away who are doctors, MBBS doctors, they at least are very much convinced. So my point of view is that you always keep on saying people with logic, and definitely a people who have a little bit mind and little bit have positivity regarding anything regarding poultry, he or she will understood. And one more thing I tell you, if she or he has any query regarding that, just take him or her in the inbox and ask her what is the reason behind it. I have told you that in the what is the institution near Hartwood Road where Lahore Medical College was established 2 years back, we arranged a seminar over there where Professor Naseem Sir, Dr. Tahir Yaqub, and Khalid Maqbool, the ex-governor of Punjab, came over there. And Dr. Suhaila, she is a very renowned gynecologist. She gave a very comprehensive lecture on this PCOD. And there were almost 200 lady doctors over sitting over there. And no one raised their hands in objectionable way. So my point of view is that you keep on saying this thing to the people, and ultimately people will be convinced that all these things are have no ground or no reality in that way. You keep on pushing the people. My stance is that. Yeah, I think this is a very valid answer, because we need to keep doing these activities, and we need to keep up the awareness program, because this is ultimately the role of the professionals. They should come forward and they should try to pass on to the general public that these all myths does not stand, because there is no such scientific reality where we can deny or where we can accept these facts. So thank you very much once again, sir. So may I request the participants, if you have questions, please raise your hand so that we can unmute, or you can unmute your mic and ask your question, please. I think they are all convinced. Actually, the presentation was so good. There was nothing to disagree with that. And of course, They feel sort of monotony. They have heard so many times this thing that what to put the question. Okay. I am sure they are always replete in that. Okay, sir. You come up with a very good point. Ke in a week, at least, we should have a balance at least 2 or 3 times, along with the plant-based and animal-based protein. We should have a balance of both of these, because these are good for the healthy life. So, generally, when we talk to the people, like most of the time, our choice is based on taste, not on nutritive. Based on taste, as you mentioned, like mostly people, they like the taste. They don't go for the nutrient value. So I think there is again a need that we should create this awareness. Like, for example, sometime our cooking methodology, they overcooked the protein, or they lost most of the important nutrients by doing the aggressive cooking style. Probably this is something, again, we need to create awareness in order to save the nutrient losses. What is your comment on this, sir? So my comment on that, that I have heard somewhere or read somewhere, that we do not cook our food, rather we burn our food. Frankly speaking, this pressure cooker, this technology has not cooked the way that we used to see in our older, in our young age, when our mother used to cook in the matti ke wo jo hote the, handiyan, they used to cook into that one. That was the cooking. Now in the pressure cooker, we really burn the food, and maybe all the nutrients have been gone. And moreover, regarding the nutrition, no doubt people like nutrition
with their you can say taste. In our department, some of our teacher did an experiment. We reared a broiler up to 50 days. 50 days. We just gave him a scavenging type of feed, and they used to go outside. And after 50 days, frankly speaking, I tell you, there was a lot of difference between the taste. All these tastes are related to the age as well as to the exercise of the animal. Desi bird or the goat, they used to live for a year or so. So definitely their taste will be more as compared to the broiler. But nutritionally, I tell you again, no difference. If you rear a broiler for a longer time, as I am telling you that we raised up to 50 days, and there was a panel in our department who tasted it, and that taste was very good. No doubt people are of this opinion. Okay, start broiler rearing after 60 days. If you want to eat a broiler or with the taste of desi birds, definitely it will have same taste. But we just keep it for a couple of weeks. And if we keep it for a longer time with the same feed, but give him outside scavenging, in my opinion, its taste will be like that of desi birds. It is the age as well as the, you can say, age and age is the main factor, in my opinion. Okay. I think this is, again, a fair enough comment that sometimes age, nutrition, and all the environments where you are rearing the bird, where you're keeping the bird, they do have impact. But in general, the nutritional, if you talk about the nutritional value, there is not a big difference. So may I request to Nasir Mukhtar, sir, if you have any comment or question, sir, please do share your comments. Was Akram sahab here? Where is he? Okay, so we have a hand raised by a lady, Tahira. Tahira, please, can you unmute your mic? Do you hear me? Hello? Ji, assalamu alaikum, Tahira. Hello, everyone. Greeting from Iran. Thank you, Professor Mahmoud, for your very great presentation. And really, it was informative and very useful for me. I want to know your opinion about what you think. Is there any big differences between chicken proteins and bovine protein? Generally, Tahira, there is no difference at all between the bovine and the poultry protein. If we call it, for example, there is 21% protein, 22% in the bovine one. Not a lot of difference. The main difference is the presence of the fat. In the goat or the bovine, if I deviate into the goat or the beef, goat has the same protein as compared to the poultry, but there is much fat embedded in that one. And particularly with if we talk about the, you can say beef, there is less protein, there is less, you can say fat. On that basis, we call it as a lean meat, and it has more protein as compared to the, poultry. So not a lot of difference, 1 to 2% difference between the protein level of the poultry as well as that of the bovine. Sorry, how about the amino acid sequences? Is there a very big difference between them? Say again? About amino acid sequences, amino acids, their amino acids. Is there a big difference between them, or how we can evaluate them? Immunization, you're saying, or something else? What do you say? Amino acid difference. Amino acid, yes. Amino acid profile is much more better in the animal protein as compared to the vegetable one. But the amino acid profile, particularly if we call about the non-essential amino acids, that is much, much better in the animal sources compared to the plant protein. And moreover, the aroma, which we usually get from the animal protein as compared to those of the plant protein, is based on the amino acid profile. Its amino acid profile is much, much better. That give you a good sort of, you can say, aroma or taste, you can say. That is much better as compared to the plant protein one. And obviously from the poultry goat.
poultry as well, because it gives a good aroma. So you can say amino acid profile is much better as compared to the poultry in the goat or beef. Thank you, Dr. Mahmood. Assalamu alaikum, Nasab. Thank you very much for your nice presentation. Really, this is a wonderful combination of different research outputs. And I request to Dr. Jadoon, please take some clips of this video and please share with the on the public social media to enhance the meat production for a common people. So, sir, really, this is a wonderful presentation, and I appreciate your time and your knowledgeable presentation. So, thank you very much, sir, and particularly the thanks very much for Dr. Jadoon. So please, Dr. Jadoon, please conclude this. Thank you, sir. Thank you, Dr. Nasir. Already we are sharing this on the Facebook. It would be shared on the on YouTube as well. So it we would make the clips and we will make it available so that the general public, they could get maximum advantage out of it. So anyone else have any question, please? So can I ask a small question, please? Please go ahead. Ji, Dr. Aisha Riaz, so it's a very informative presentation, and sir, बहुत ही ज़्यादा इसमें information थी, लेकिन बड़े ही concise way में माशाल्लाह आपने बताई. So एक छोटा सा question था मेरा कि जो देसी chicken कहा जाता है और जो broiler है, what's the difference between the protein values of these two? So far as the desi and broiler is concerned, I tell honestly that there is no difference at all between the protein content, both of the egg as well as the meat. I tell you, the small size of egg of desi give you less protein as compared to the bigger size commercial one. Desi egg has only 45 gram, and out of 45 gram, you will get the 10% to 12%. And a commercial egg is having about 65 gram weight. And out of that, you will get the 10 to 12% of the percentage of the protein. So you can very well imagine that how much amount you will get it. Regarding the meat, no difference at all between the protein content of the meat. The reason is, I have already told you, that the length for which we are going to keep it, and as a result, it develops the taste. And taste is nothing with that of the nutrition value. Simple as that. That bird is available to scavenger. He eats a lizard. He has to eat a cockroach as well. So there are amino acid profile, or you can say the bioconversion process is more good one as compared to a broiler. Broiler, we have to give him a balanced feed. But desi bird is a scavenger. He has many options for it. He has to eat the kida makode. He has to eat the grass. And as I told you, the different reptiles it can eat. So that's why there is aroma in that of the desi bird. Otherwise, nutritionally, there is no difference. And why it is expensive? People sometimes ask this question as well, why it is expensive? The reason is that it is prepared in a year or so. It takes much more time. And in a year, you have to reap almost 6 to 7 crops of the broilers. So this is the reason the availability is much less as compared to the demand. That's why its prices are high. Otherwise, nutritionally, there is no difference. It is just a mindset, I should say. Otherwise, no difference in the nutrition of all these things. And so the length of cooking time, length of cooking time is still easier. The length of cooking time is much more. The muscle become more stiff. It gets more exercise as compared to the broiler. It's the collagen fiber which gives the tensity, or you can say the strength to the muscle. It is much more in the desi birds. That's why it takes much time as compared to the broiler one. Aur hame zara gosht khench kar khane ka maza aata gaya ji, assi boti muh ch pai te khich ke assi khai to uski wajah se log isko thoda sa zara prefer karte hain. So cooking time increase hone ki the reason is the more collagen fiber in that, which give it a more strength to the muscle due to its exercise pattern. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, so may I request to Hafiz Rizwan Akram ke agar aapka sir koi question ya comment hai, please
अपने आप को अनम्यूट करिएगा. हाफिज रिजवान, he is just showing his presence. Okay, so may I request to Dr. Saba Mehnaz, if she has any question or comment, please unmute yourself. Okay, now I go to the young chap, the Dr. Faisal. Faisal, do you have any comment or question, please? Faisal nahi banayi hai. सर मेरा सवाल पूछना बनता नहीं है. नहीं फैसल को मैं I will ask a question to the Faisal because he is a very good our teacher and has worked a lot of on processing. Faisal, tell me, people generally ask that when we slaughter a bird, along with the bone we saw a very dark spot of brown. What is that brownish spot on the, for example, femur bone or related bones like that? What that mark is on over the along the meat? When we cook it, we see it. Otherwise, when we remove or when we take a boneless meat, we really see that dark spot at the end of the femur head. What is it is due to? It is overcooking or something like that? If you can tell. Yes, sir. The dark darkening on the bone is mainly due to overcooking when we cook the meat. In some cases, due to poor bleeding. We usually see a blood vessel in the drumstick that is mainly associated with poor bleeding of the chicken. Otherwise, the darkening at the head of the bone or sometimes we see reddish bones, that is due to overcooking. Sir, mainly if you go in local bakeries, they used to stuff the meat on the bones. ये कुछ bakeries इस तरह करती हैं कि वो as such जो specific part है meat का उसको नहीं वो cook करती, वो उसको restructure करती हैं वो bone लेके. तो आप उस bone को देखें ना तो वो आपको reddish ही नजर आएगी. तो ये जो bone का जो color change होता है ये वो reddish जो हमें usually नजर आ रहा होता है वो overcooking की वजह से होता है जो normally हम करते हैं. अदरवाइज उसका मीट के साथ कोई मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. हाँ ये सर अब है एक इशू अब आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ब्रॉयलर के अंदर रिलेटिवली कम है, टर्की मीट में काफी ज्यादा है, लेकिन ब्रॉयलर में भी ये अब आना शुरू हो गया है. दैट इज ग्रीन मसल डिजीज. अक्सर आपको लोग हमें मतलब पिक्चर सेंड करते हैं कि जब वो मीट को स्लॉटर करते हैं ब्रॉयलर को, तो ब्रॉयलर के मसल के अंदर उनको ग्रीनिश सा वो नजर आ रहा होता है. वो अब प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट. जो हम हमारा भी ऑब्जेक्टिव चल रहा है फार्मर का, वो समटाइम कोई इंजरीज वगैरह हो जाती हैं जिसकी वजह से जो हम कहते हैं इनर सेल डेथ, तो वो उस वजह से वो इनर सेल डेथ की वजह से वहां पे या वैसे एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही होती. तो वो जो उस स्पेसिफिक एरिया में जो मसल है वो ग्रीनिश सा उनका या रेडिश सा कलर हो जाता है इन साइड ऑफ द मसल. तो ये आजकल कुछ मतलब बहुत रेयर केसेस हैं, लेकिन इस तरह के अब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ब्रॉयलर के अंदर. तो ये एक दो इश्यूज हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच फैसल. जस्ट लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी विल क्लोज द टुडे सेशन. द क्वेश्चन जो इस वक्त मेरा ख्याल है कि हमारी आम आवाम भी जानना चाहती है, अदर देन जो इस प्रोफेशन के अलावा के लोग हैं उनकी क्यूरियोसिटी है कि हम इस बात पे हम तमाम लोग मुत्तफिक हैं कि कोई भी लिविंग बींग है, फॉर ह्यूमन है या वो हमारा लाइफ स्टॉक है, पोल्ट्री है या बाकी कोई भी जो जिंदा चीज है, उसके अंदर डिजीज चैलेंजेस भी होते हैं. अगर हम स्पेसिफिकली बात करें पोल्ट्री की, तो क्या कोई ऐसी डिजीज है जो पोल्ट्री से ह्यूमन को जा सकती है, और जिन डिजीजेस की वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमें मीट नहीं खाना चाहिए? ये क्वेश्चन तमाम लोगों के लिए जहाँ पे जितने भी टेक्निकल लोग बैठे हैं, ताकि अपनी इसके ऊपर जो है वो माहिराना राय दें, ताकि जनरल लोगों को ये मालूम हो कि जो है रिसेप्टर्स भी डिफरेंट होते हैं, तो इनका डायरेक्टली या जो इनडायरेक्टली कोई इस तरह ताल्लुक नहीं है कि अगर पोल्ट्री के अंदर कोई डिजीज है तो वो ह्यूमन को इम्पेक्ट करेगी या उसका मीट नहीं खाना चाहिए. तो इस सिलसिले में जस्ट अगर कोई रिस्पेक्टेड ऑडियंस में से कोई कमेंट करना चाहे तो प्लीज दे कैन रेज द हैंड. सर,
जो हमारे सीनियर लोग मौजूद हैं, अगर उनमें से कोई इस चीज के ऊपर कमेंट करना चाहें। डॉक्टर नासिर मुख्तार सर, सर मैं कुछ ऐड कर दूं उसमें? जी जी प्लीज सर। अच्छा, इस तरह के अभी तक तो जो मोस्टली हम जो अभी तक हमने पढ़ा है पोल्ट्री से, क्यों ह्यूमंस में ऐसे ज्यादा डिजीजेस ट्रांसफर नहीं होती? ज़ूनोटिक डिजीजेस हैं जैसे बर्ड फ्लू वगैरह की जब हम बात करते हैं तो वो उसके ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं, अदरवाइज पोल्ट्री से ह्यूमंस को जो नॉर्मल, जैसे ये आजकल जो न्यूकैसल डिजीज या इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस वगैरह इस तरह की जो डिजीजेस आई हैं ये ज़ूनोटिक नहीं होती तो ये इंसानों में नहीं आती। हाँ, अगर आप बैक्टीरिया आने के चांसेस होते हैं अगर आप अंडर कुकिंग करें, क्योंकि साल्मोनेला वगैरह, क्योंकि हमारा जो खासतौर पर पाकिस्तान में जो पोल्ट्री की स्लॉटरिंग एनवायरनमेंट है वो इतनी साफ नहीं है, हाइजेनिक नहीं है, तो उधर से बैक्टीरिया वगैरह की कंटेमिनेशन होने के चांसेस होते हैं। और अगर हम मीट को प्रॉपर कुक नहीं कर रहे तो उस केस में वो बैक्टीरिया हमें आगे अफेक्ट कर सकते हैं, वो हमारी गलती है, उसमें मुर्गी का कसूर नहीं है, वो हमारा कसूर है। तो इसमें रिकमेंडेशन यही होती है कि आप बर्ड को प्रॉपर कुक करके कंज्यूम करें और कोशिश करें कि मीट जब आप परचेज करें तो वो जरा हाइजेनिक एनवायरनमेंट से लें या उसको खुद आप हाइजेनिक तरीके से जरा मेंटेन करें। ये मेरी ये टेक है। बाकी ओके, आई गेस फैसल, इट्स अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट, क्योंकि देयर आर साइंटिफिक पेपर्स एंड रिव्यूज आर अवेलेबल जो हमें ये बताते हैं कि हम कुछ डिजीजेज हैं लेकिन कुछ जनरली जिनकी आपने बात की उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट ह्यूमन के ऊपर नहीं है, ना ही उनके गोश्त खाने का कुछ पे इम्पैक्ट है। ऑफकोर्स हाइजीनिक कंडीशंस और जो हम बायोसिक्योरिटी या बायोसेफ्टीज की बात करते हैं, अगर उनको प्रॉपर किया जाए तो बहुत सी चीज़ें जो है और उनके उनमें कमी हो सकती है। तो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक्स, और मैं सर की इस बात के साथ आज के प्रोग्राम का अख्तिताम करूँगा के रूट टू शूट वाला जो एक कॉन्सेप्ट है वी शुड कीप डूइंग इट, क्योंकि हमने अपनी रूट्स टू शूट तक पॉजिटिविटी इंकल्केट करनी है। ठीक है, वो ख्वाह आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, उसके अंदर उसकी जो है उसकी उसके लिए हमें हर एक को रहनुमाई चाहिए। हमें ऐसे छोटे छोटे सेशंस चाहिए जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बाज़ दफ़ा जब आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो उसमें आपकी अपनी भी इम्प्रूवमेंट होती है और आप खुद भी सीखते हैं। और क्योंकि कुछ चीज़ें जो हमारी जो जिसको हम गुड लक ये कह सकते हैं, जिसको हम खुद बना सकते हैं, वो हमारी सिलेक्शन ऑफ पीपल है या चॉइस ऑफ कंपनी है जिसको हम खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठना चाहिए, उनके साथ मुकालमा करना चाहिए, बिकॉज दैट विल प्रोपेल यू टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी। और अगर जो जब हम पॉजिटिविटी से काम करेंगे तो अल्टीमेटली एवरीथिंग हैज़ अ सॉल्यूशन। सो विद दिस आई हम्बली वांट्स टू थैंक टू प्रोफेसर डॉक्टर अतर महमूद फॉर हिज टाइम एंड फॉर हिज वंडरफुल प्रेजेंटेशन। आई एम श्योर ऑल दोज हु आर पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन एंड दोज हु आर गोइंग टू लिसन लेटर ऑन, दे आर गोइंग टू टेक होम द गुड मैसेजेस। सो अगेन there would be a lot of questions which we could not answer because of the time constraint or because of the maybe technological thing, but what we can do is that if you have any question please do shoot those questions in the WAPSA group or email me or send it to directly to WAPSA team, and we will definitely come back to with answers to those questions. So I'm hoping that will continue, and this series of WAPSA online lecture series will continue, and we will be coming up with the big names and they would be imparting knowledge to all the people. So last comments from Dr. Atar, I guess you want to say something and then we'll say goodbye and have a good time. Ji sir, over to you sir. Thank you very much Shahzad for the nice conclusion. I have said already, but what I will say further, that one should keep positivity in his or her mind. That is the, in my opinion, you can say the cornerstone of one's personality.
if you will keep positivity in your mind, I tell you, there is a law of attraction and law of respect. I tell you both of them. Law of attraction is that whatever you do for the other, whenever you're going to deceive someone, that deceive will come to you again. जब आप किसी को धोखा दोगे तो धोखा घूम के तुम्हारे पास आएगा. सो माई पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट वन शुड अबाइड बाय दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड अदर इज द लॉ ऑफ रिस्पेक्ट. यू रिस्पेक्ट टू अदर्स एंड रिस्पेक्ट विल बी गिवन टू यू. इफ यू हैव पॉजिटिविटी फॉर अदर, आई फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई से दैट पॉजिटिव विल बी अल्टीमेटली कम टू यू. सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड द पॉजिटिविटी रिगार्डिंग अदर पीपल्स दैट यू आर गोइंग टू गिव देम बेनिफिट. And not any negative attitude towards them, and that ultimately giving you the benefit of your own personality and your own self-development. Because self-development is such a topic, hot topic of today, that we all of us, in my opinion, teachers need more work to do on that self-development. If teacher is working on her or his self-development or self-assessment, I also say, you know your strength, you know your weaknesses. Everybody knows it. Just catch them one by one and you will be winner at the end of the day. Thank you very much. Thank you very much, sir. I think this is a great take-home message. Be positive aur dusron ke liye aasaniyan baantte rahein. Inshallah, next time again, kisi achhe topic ke saath aayenge. Lekin hamesha ki tarah aapse request hai ki aap apna feedback, apne opinion, apne comments dete rahein taaki aane wale time mein, aane wale jo program hai, wo hum behtar se behtareen karte jaayein. With this, thank you very much. आप जहाँ पे भी हैं, अल्लाह ताला आपको खुशोखरम रखे. Stay safe, stay healthy. Thank you very much. See you next time. Stay in touch. Assalamualaikum. Thank you.